प्रयागराज उमेश पॉल हत्याकांड में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो 1 मिनट 6 सेकंड का है। वीडियो में दिख रहा है कि सफेद कार सड़क के किनारे आकर रुकती है। वकील की ड्रेस में उमेश पॉल और गनर उतरते हैं, तभी पीछे से एक टोपी लगाए हुए शख्स फायरिंग करने लगता है। इस दौरान बगल की दुकान में पहले से छिपा एक शूटर पिस्टल निकालकर फायरिंग करने लगता है। गोली उमेश को लगती है, वो तड़पते हुए गिर पड़ते हैं। एक और गोली बगल में खड़े गनर को लगती है, वो भी जमीन पर गिर पड़ता है। उमेश फुर्ती दिखाते हुए जान बचाकर गली में अपने घर के अंदर भाग जाता है। पीछे में एक बदमाश पिस्टल लेकर घर के अंदर तक फायरिंग करते हुए घुसता है और बदमाश कार के पास बम फोड़ देता है। इसी बीच गनर भी जान बचाने के लिए मकान में घुस जाता है। हमलावर गनर का जमीन पर पड़ा बंदूक उठाकर ले जाते हैं। इन सब के बीच हमलावर आसपास बमबाजी करते हैं और जान बचाने के लिए भागते हैं। गुरुग्राम से करीब 18 किलोमीटर दूर हरियाणा का मानेसर, करीब 31,000 आबादी वाले इस शहर का नाम देश भर में चर्चा में है। मोहित यादव या मोनू मानेसर नई उम्र के लड़के उनके फैन हैं, तो बुजुर्ग उसे हिंदू धर्म का रखवाला मानते हैं। मोनू पर 1 महीने में 3 मुस्लिमों की हत्या का आरोप लग चुका है। तीनों को गौ तस्कर होने के शक में पीटा गया था। हालांकि मानेसर के लोग मोनू को हीरो मानते हैं। पर्यटक सवाल करते हैं कि क्या गायों को बेचना अपराध है, क्या हिंदू सिर्फ गाय कटते देखते रहे। मोनू हिंदू धर्म का रक्षक है। मोनू के किरायेदार और उसके गौरक्षा दल के जुड़े विनय कुमार सिंह की बात से इसका अंदाजा हो जाता है। विनय कहते हैं, मोनू भाई हमारी गौ माता को बचा रहे हैं, जिसे ये लोग काट रहे हैं, इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। मोनू के नाम पर कांग्रेस और बीजेपी राजनीति कर रही है। मोनू ने किसी की भी हत्या नहीं की, यह सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से भी साबित हो गया। हम लोग चाहते हैं कि मामले की सीबीआई जांच हो। पूर्णिया में महागठबंधन की महारौली में लालू यादव ने कहा, बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, वो आरएसएस का मुखौटा है। भाजपा और आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी है। एक साथ रहिए, एकजुट रहिए, हम साथ रहेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। रैली में लालू दिल्ली से जुड़े थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सभा को करीब 10 मिनट तक संबोधित किया। लालू ने कहा, देश से नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई का समय आ चुका है। हम और नीतीश एक हो गए हैं, अब हमेशा एक साथ रहेंगे। उन्नाव में गैंगरेप के बाद 9वीं की छात्रा की हत्या कर दी गई। घटना के 3 दिन बाद शनिवार को छात्रा को दफनाया गया। दादा दादी की समाधि के पास ही उसकी कब्र बनाई है। मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह ने बताया कि पिता चाचा को पुलिस की कार्रवाई से अवगत करा दिया गया है। लड़की को परिवार के खेत में ही दफनाया गया है। उस समय भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। मोट भांडेर मार्ग पर 4 दिन पहले ग्राम पांडोरी के पास बाइक सवार युवक में अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल अवस्था में उसे एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोट भेजा गया था, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल झांसी रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। वहीं डॉक्टरों द्वारा उसे ग्वालियर के लिए रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। तहसील मोड के ग्राम सिमिरिया निवासी बहादुर राजपूत उर्फ मिट्ठू पुत्र मांसाराम राजमिस्त्री का कार्य करता था। वह मध्य प्रदेश के भांडेर में राजमिस्त्री का कार्य कर रहा था। कार्य कर वह वापस अपने गांव सिमिरिया आ रहा था, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उपचार के दौरान उसने आज अपना दम तोड़ दिया। झांसी में एक महिला की शनिवार को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वह भदरवारा गांव की रहने वाली थी। बेटे का आरोप है कि 12 दिन पहले पिता ने मां के साथ मारपीट की थी, तब से मां का इलाज चल रहा था। आज मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शव को मुर्दा घर में रखवाया गया है, आज शाम तक पोस्टमार्टम किया जाएगा। मृतक का नाम जानकी देवी है, वह भदरवारा गांव की रहने वाली थी। बेटे संदीप अहिरवार ने बताया कि पिता शराब पीने के आदि हैं। 13 फरवरी की रात को वे शराब पीकर घर आए, रजाई में सिगरेट पी रहे थे। तब मैंने उनको कहा कि रजाई मत जला देना। इस पर पिता गाली गलौज कर मेरे साथ मारपीट करने लगे। मां जानकी बचाने आई तो उनके साथ भी मारपीट की। बेटे ने आगे बताया कि पिता बुरी तरह से मां के साथ मारपीट कर रहे थे। मारपीट में उनका दादी ने साथ दिया। इस पर मैंने डायल 112 पर कॉल कर दिया। पुलिस आई तो पिता भाग गए। मैं मां को लेकर मामा के घर भडरा चला गया। सुबह मऊरानीपुर थाने में शिकायत दी और मां का इलाज कराया। मां की तबीयत बिगड़ी तो 22 फरवरी को उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया।
आज सुबह इलाज के दौरान मां ने अपना दम तोड़ दिया। झांसी तथा बुंदेलखंड की इंडस्ट्री की दुनिया को जल्द पंख लगने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी और बुंदेलखंड के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की घोषणा कर दी है। इसकी सूचना आते ही यहाँ के उद्यमियों तथा उद्योगपतियों में उत्साह का संचार हो गया। भारतीय जनता पार्टी के झांसी ललितपुर के क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कि पिछले लंबे समय से झांसी और बुंदेलखंड में इंडस्ट्रीज लाने की कोशिश की जा रही थी। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और डिफेंस कॉरिडोर मूर्त रूप से सभी के सामने है। इस कॉरिडोर में भी 3 इंडस्ट्रीज के स्थापित होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कि आज पूर्वाहन ही उन्हें बुंदेलखंड और झांसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की सूचना मिली है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि जल्द ही झांसी और बुंदेलखंड में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा, जिससे एक ओर जहां उद्योगपतियों तथा उद्यमी उत्साह का संचार होगा तो वहीं दूसरी ओर यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार भी होगा। रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल के कार्यवाहक प्राचार्य तथा शिक्षकों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा विद्यालय की छवि को धूमिल करने की कोशिशों को रोके जाने तथा विद्यालय पर गलत आक्षेप लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। विद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य राजीव सिंह सहित शिक्षकों आर यू खान, निर्वैर सिंह कसी, संजय दुबे आदि ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि वह पिछले 15 से 25 वर्षों से रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल में कार्यरत है। 39 वर्षों से यह स्कूल चल रहा है तथा पिछले 20 वर्षों से विद्यालय ने अपनी गुणवत्ता शिक्षण व्यवस्था के आधार पर अलग पहचान बनाई है, लेकिन पिछले 8-10 महीने में अपरिहार्य कारणों से विद्यालय की छवि को धूमिल करने का असामाजिक तत्वों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया तथा अन्य साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव विद्यालय पर पड़ रहा है। पिछले माह भी तत्कालीन प्रधानाचार्य को माध्यम बनाकर असत्य घटनाक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसकी संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच भी की जा रही है। प्रार्थना पत्र में इस तरह के आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई।